अव्वल अल्लाह नूरी उपाया, अव्वल अल्लाह नूरी उपाया। कुदरत के सब बंदे बंदे एक नूर ते सब जग उपजया। कौन पले को मंदे मंदे, अव्वल अल्लाह अव्वल अल्लाह। बशीर बर्द जी के शब्दों में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते गृहस्थियां जलाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते गृहस्थियां जलाने में। जहांगीरपुरी, उजड़े हुए आशियानों में ख्वाहिशों को उजाड़ दिया गया है। जो सहारा था वो साजिश के शिकार में बेसहारा हो गए। जहांगीरपुरी में जहां अमन शांति के फूल खिलते थे, उस चमन को बुलडोजर ने उजाड़ दिया। ये जो तेरा मेरा घर था, वहां नफरत की चिंगारी ने रोशनी बुझा दी। देश की तस्वीर पर अब नफरत के धूल की परतें जम गई हैं। साजिशों के शिकार ने नफरत को कवच बनाकर विध्वंस कर दिया है। आस्था नैतिकता सब पर सवाल है। जहांगीरपुरी में रोदन है, भविष्य की चिंताएं हैं, चेहरों पर लकीरें खिंच गई हैं। नफरत विध्वंस बनकर सबके दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दे रही है। जहां सब दुख सुख के साथी थे, जहां फिजाएं बाहर थीं, वहां की फिजा में अब उन्माद है। बुलडोजर ने रणभूमि बना दी है। जहां सत्य को आघात लगा है और उसकी आंखों में आंसू है,
माता की पुकार, बच्चों की चित्कार, सबके चेहरे पर सन्नाटा, अपने मकानों का कागज दिखाना, अपनी रजिस्ट्री दिखाना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाना, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। मकान दुकान सब ढह चुके हैं, पीला पंजा लाल आंखें दिखाकर सरकारी हाथों में विध्वंस की निशानी बन चुका है। विकास की बातों पर चुप्पी, विध्वंस की बातों पर बुलडोजर, आज ये सरकारों का इश्तहार बन गया है। मशहूर गायक गुरदास मान की लाइनें आज सटीक दिख रही हैं। अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफरत से टूटे हैं वो घर तो बना लो। बीज नफरत के खेतों में उगाने वालों, काटने खुद ही पड़ेंगे ऐ जमाने वालों। बच के रहना ए लकड़ी के आशियाने वालों, खुद भी जल सकते हो औरों को जलाने वालों। अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। आदरणीय साथी, इस देश में महंगाई पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, बेरोजगारी पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, धर्मांधता पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, रूढ़िवादिता पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, परंतु उन सब को छोड़कर बुलडोजर सत्ताधारी दल द्वारा केवल और केवल इंसानियत पर चलाया जा रहा है, भाईचारे पर चलाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़वाने के लिए चलाया जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी के सपनों का भारत, प्रगतिशील और सुदृढ़ भारत, आज केवल और केवल बुलडोजर की राजनीति पर लाकर सीमित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण विचारधारा ने। साथियों, पिछले कई सालों से 1925 से प्रयास किया जा रहा है संघ द्वारा कैसे इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाए। पहले वो एजेंडा अंग्रेजों का था और उस एजेंडा को आरएसएस और मुस्लिम लीग जैसे संगठन आगे बढ़ाते थे। आज यह एजेंडा आरएसएस का है क्योंकि वो सत्ता में रहना चाहते हैं। सत्ता में आने का तरीका और सत्ता में रहने का तरीका इनको और कोई नहीं आता। जो नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, आप देखिए, उसका एक टूल किट है और यह संघ का टूल किट है। क्या है यह टूल किट? नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा, अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, झटका वर्सेस हलाल, हिजाब वर्सेस यूनिफॉर्म, खाने पे प्रॉब्लम, कपड़े क्या पहनते हैं उस पे समस्या, लाउडस्पीकर पे अगर अजान हो रही है तो लाउडस्पीकर पे उसी वक्त हनुमान चालीसा भी होना चाहिए। ये कौन है और इनको इस पूरे मकसद, इनका मकसद क्या है और लाभ किसको होता है इस तरह के विवाद पैदा? हमें और आपको तो नहीं होता। चारों ओर शोर है, शोर सड़क पर, शोर सदन में भी है, शोर गांव कस्बे शहरों में भी है, ये शोर नेताओं के संबोधन में भी है। ए, सफेद कपड़ा, ओ ओ ए भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। ये शोर धर्म का प्रचार करने वालों में भी है। इस शोर में देखिए किस तरह से कांव कांव की भी आवाज बीच बीच में आती है। ये हिंदुओं से, अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा, इसलिए निवेदन है तो सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कछु दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अबे पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। हाँ, तो हमारी प्रार्थना है हिंदुओं जगो, और जो तुम्हारे पत्थर तुम्हारे घर पर फेंके उसके घर जैसे भी लेकर चलो, क्योंकि ये भारत सनातनियों का है और सनातनियों के देश में अगर राम की यात्रा पर, रामनवमी पर कोई पत्थर मार दे, बुझ दिलो, कायरो जग जाओ,
अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बाद में को हम बुलडोजर खरीदेंगे। कितने रुपया की आउटकल कोटेशन तो मंगावा हो, पूछो क्यों खरीदेंगे। सरकार आखिर कब तक गिराएगी बुलडोजर से? हिंदुओं को गिराना पड़ेगा। जब हर हिंदू गिराने की क्षमता रखेगा तो पत्थर घालने वाले अपनी खपाड़ में मार के जय-जय हो जाएंगे। शोर मीडिया के तमाम चैनल्स पर भी हैं। देश में नफरत का शोर है और इस शोर में खामोश हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। देश का मन व्यथित है, परेशान है, चिंतित है। मन की बात तो यह है कि अब नफरत हिंसा के खिलाफ उसे शांति की धारा बननी चाहिए। गीत संगीत धर्म प्रसार धरना आंदोलन भाषण और मधुर आवाज के बोल निकालने वाला लाउडस्पीकर अब युद्ध का भोंपू बन गया है। बेरोजगारी महंगाई भूखमरी भ्रष्टाचार कुपोषण अन्याय के खिलाफ शोर करने वाले की आवाज दबा दी जा रही है। असली मुद्दों पर नफरत का शोर हावी है। अब देखिए ये लाउड स्पीकर का शोर ना आपको टीवी स्टूडियो में देखने को मिलेगा ना ही इसकी खबर किसी अखबार में। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। पेट्रोल के दाम कम हुए गए हुए, डीजल के दाम कम हुए गए हुए, आपकी जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा, मुझे बताइए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा, मुझे बताइए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए। सच्चाई के लिए लड़ रहे यशोर की आवाज पत्रकारों की है जिन्होंने बलिया में नकल माफिया के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर खूब शोर किया, पर यह शोर बलिया के चौराहों तक सिमट गया। बलिया की हम शोर है, गली गली में शोर है, बलिया की हम शोर है, गली गली में शोर है, बलिया। मध्य प्रदेश के सीधी में भाजपा विधायक के खिलाफ पत्रकारों की कलम ने शोर की तो इस शोर को थाने में नंगा कर दिया गया। तानाशाही के शोर की ऐसी कर्कश आवाज है कि जिस शख्स के पास हाथी नहीं उसको बचाव के जुल्म में उसकी दुकान गिरा दी। शोभा यात्रा में अब अशोभनीय शब्दों का शोर है। देश की जनता मूकदर्शक है, विपक्षी दल लड़ाई लड़ रहे हैं। शोर जोर जुल्म के खिलाफ शरीफ लोग अक्सर चुप ही रहते हैं। उनके दिल दिमाग में यही ख्याल आता है कि कौन इस पचड़े में पड़ने जाए। ऐसे लोगों को आगाह करते हुए नवाज देवबंदी साहब ने कहा है, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। जो लोग इस तरह की ज्यादती पर खामोश रहते हैं उनका आखिरी हश्र क्या होता है? नवाज देवबंदी साहब की बाकी दो पंक्तियों को भी सुन लीजिए, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है।